गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग प्रभाकर वैश्य ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि किसी वेक्टर को, यानी कि किसी सदिश को एक स्केलर यानी कि अदिश से कैसे गुणा किया जाता है, ये हम लोग पढ़े थे। साथ ही साथ इसके कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़े थे। सेशन छोटा था, 40 मिनट का सेशन था, आप बहुत इंजॉय किए थे। तो आज उसके आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर, यानी कि स्थिति सदिश। अभी एक दो दिन आपका थ्योरी चलेगा, फिर हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन पे, समझे? आइए हम लोग समझते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है? आप मेरे साथ लिखते भी जाइएगा, ज्यादा टाइम आपको नहीं देंगे बाद में। ऐसा नहीं कि मैं लिखकर 5 मिनट आपका वेट करूंगा तब मैं लिखूंगा, आपको मेरे साथ लिखते ही जाना है। जब मैं समझाऊंगा तो आपको समझना है, और चैट फैट बहुत ज्यादा नहीं करना है, समझे? पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है? फिर बीच बीच में मैं आपको मौका दूंगा, हंसी मजाक का मैं आपको मौका दूंगा, जरूर दूंगा, ठीक है? चले आइए पढ़ते हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। किसी बिंदु का स्थिति सदिश, किसी बिंदु का स्थिति सदिश क्या है? तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझते हैं। लेट ओ बी ए फिक्स्ड पॉइंट, ब्रैकेट में ओरिजिन, एंड पी बी एनी पॉइंट, देन ओपी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ओ। हिंदी में माना ओ एक स्थिर बिंदु, ब्रैकेट में मूल बिंदु है, तथा पी कोई एक बिंदु है, तब ओ पी को ओ पी को समझ गए, पी का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश कहते हैं।
एक फोटो से समझाते हैं आप, एक फोटो बनाते हैं, फिर क्या लिखे इस चीज को आपको समझाएंगे, समझे? फोटो से पहले आप फोटो देखिए और फोटो से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये आपका है ओरिजिन, ओ ओरिजिन, और ये पी एक पॉइंट है, समझे? ये पी एक आपका पॉइंट। तो ये जो आपका OP जो एक वेक्टर है, OP जो आपका एक वेक्टर है, इसी OP को हम लोग कहते हैं P का पोजीशन वेक्टर। किसके रेस्पेक्ट में? तो O के रेस्पेक्ट, समझे? जहां पर O क्या है? ओरिजिन है। याद रखिएगा, पोजीशन वेक्टर में आपका ओरिजिन रहेगा ही रहेगा, मूल बिंदु आपका रहेगा ही रहेगा। वो ओरिजिन है जो कि बिल्कुल फिक्स्ड है, समझ गए? पी आपका कोई एक दूसरा पॉइंट है, तो ओ पी को आप क्या बोलिएगा? वेक्टर ओ पी को तो हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर? पी का। पी का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में? तो ओ के रेस्पेक्ट, समझ गए? किसके रेस्पेक्ट में? तो ओ के रेस्पेक्ट। दी पॉइंट पी इज आर देन इट मीन्स दी पोजिशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ इज आर, दैट इज वेक्टर ओ पी बराबर आपका हो जाएगा आर वेक्टर। मैं इसको हिंदी में लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। यदि बिंदु P सदिश R है तो इसका मतलब वाकि बिंदु P का O के सापेक्ष स्थिति सदिश R है, दैट इज OP बराबर R। कहने का मतलब है यदि ये जो पॉइंट P है ना, ये जो बिंदु आपका P है, यदि आप इसको इस प्रकार से लिखते हैं PR, समझे? क्या लिखते हैं? PR, यानी कि इस बिंदु P को आप R से लिखते हैं तो OP आपका क्या कहलाएगा? तो OP आपका कहलाएगा R। क्या बोले? ध्यान से सुनिए, यदि ये जो पॉइंट P है इसको आप R लिख देते हैं, ब्रैकेट में प्यार, ब्रैकेट में क्या? प्यार, PR, इसका मतलब हो गया कि OP आपका किसके बराबर हो जाएगा? OP आपका हो जाएगा R के बराबर। यही यहां पर लिखते हैं, समझे? यदि P को R से लिखा जाए तो OP का मतलब क्या हो गया? R, यानी कि P का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? तो P का पोजीशन वेक्टर हो गया R। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है? समस्या तो बोलिए।
पोजिशन वेक्टर को जनरली हम लोग ए बी सी से डिनोट करते हैं। लिख दीजिए ये भी, जनरली पोजिशन वेक्टर इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए बी सी आर डॉट डॉट डॉट। इसी से हम लोग पोजिशन वेक्टर को डिनोट करते हैं, समझे? यदि ये कंसेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए। आपको बोले थे कि आप लिखते जाइएगा, फिर भी आपको एक मिनट का टाइम देते हैं, फटाफट आप इसको नोट कीजिए। हाँ, फटाफट नोट कीजिए। फटाफट नोट कीजिए बेटा। चलिए ठीक है, इधर मिटाते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं एक वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ एन। समझ गए? ए वेक्टर in terms of position vector of its end point, a vector in terms of position vector of its एंड पॉइंट, यानी कि किसी सदिश को स्थिति सदिश के अंत बिंदु के रूप में लिखना। किसी सदिश को स्थिति सदिश के
अंत बिंदु के रूप में लिख, कैसे लिखिएगा समझे, तो मैं आपको समझाता हूं। आइए, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी, यानी ए वेक्टर और वेक्टर बी आपका दो पॉइंट है, किसका, ए और बी का, दैट इज ओ ए बराबर ए एंड ओ बी बराबर बी। जैसे आपको बताया था, यदि पॉइंट आपका पी पॉइंट आर है, ओ पी बराबर हम लोग आर लिखते हैं, इसी तरह से ए पॉइंट आपका वेक्टर ए है, बी पॉइंट वेक्टर बी है, तो ओ ए बराबर आपका हो जाएगा ए और ओ बी बराबर आपका हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो इसको क्या कीजिए, एक फोटो के माध्यम से समझिए। देखिए, ये पॉइंट हो गया ओ, ये आपका रहा ए और ये रहा आपका बी। कहने का मतलब है, ये भाई साहब आपका ए हो गया और ये भाई साहब आपका क्या हो गया, आपका हो गया बी, समझे। ए ए पॉइंट आपका ए है, तो हम क्या लिख दिए, ओ ए बराबर ए लिख दिए। बी पॉइंट आपका बी है, तो ओ बी बराबर क्या लिख दिए, ओ बी बराबर लिख दिए बी। ए और बी को मिलाइए, ए और बी को मिला और डायरेक्शन दे दीजिए ए से बी की ओर, समझे। क्या डायरेक्शन दिए, तो डायरेक्शन दे दिए ए से बी की ओर। चलिए ठीक है, फिर आगे देखिए क्या होता है। पहले मैं मिटा लेता हूं, फिर आपको बताता हूं मैं। अब देखिए, तो अब ट्रायंगल ओ ए बी में बात कीजिए, देखिए क्या मिलता है। इन ट्रायंगल ओ ए बी, किस त्रिभुज में, तो ओ ए बी में देखिए क्या है। तो मैं आपको ट्रायंगल लॉ बताया था, त्रिभुज का नियम में आपको बताया था, वेक्टर में क्या होगा, ओ से ए पर आइए, ए से बी पर जाइए, फिर बी से ओ पर जाइए, तो ये आपका हो जाएगा जीरो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन जीरो ही हो गया। पहले आप ओ से ए पर आए, चलिए वेरी गुड, कुछ दूरी तय किया, ए से बी पे गए, वेरी गुड, फिर कुछ दूरी तय किए, बी से ओ पे आए, फिर दूरी तय किए, लेकिन फिर तो घर में आ गए ना। आप अपने घर से निकले, मार्केट सब्जी लिए, डोमिनोज पिज्जा गए, पिज्जा खाए, फिर घर चले जाए, दूरी तो तय किया, बहुत बड़ा दूरी तय कर ली, इतना बड़ा, लेकिन विस्थापन डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, जीरो हो गया, जहां से गया कि फिर वहीं चले आए। तो इस तीनों को जोड़िएगा तो आपका हो जीरो हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए बी
प्लस बीओ बराबर आपका हो गया जीरो। समझ लो क्या हो गया, जीरो वेक्टर। यहां पर सिर्फ जीरो नहीं दे दीजिएगा, क्योंकि जब इस तरफ आपका वेक्टर है तो इधर भी आपका वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, वेक्टर आपका स्केलर के बराबर नहीं हो सकता है। देखें तो ओ ए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ओ से ए तरफ ही है, ए से बी का डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, तो ए से बी के डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। यहां हम बी से ओ लिखे हैं, लेकिन डायरेक्शन ओ से बी की तरफ है, उल्टा डायरेक्शन। तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, माइनस का फर्क पड़ेगा, माइनस ओ बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो बराबर आपका हो जाएगा जीरो वेक्टर। समझे? और अब आप ए बी निकाल लीजिए, ए बी बराबर ये ओ बी उस तरफ जाएगा तब प्लस हो जाएगा, यानी कि ओ बी और ये ओ ए उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ओ ए। यही आपका जो है ना वेक्टर ए बी है, इस वेक्टर ए बी को हम लोग ए और बी यानी कि ए बी जो इसका एंड पॉइंट था उसके पोजीशन वेक्टर पे दिखा दिए। हेडिंग यही बोल रहा था, ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट, यानी किसी सदिश को स्थिति सदिश के अंत बिंदु के रूप में लिखना। समझ गए? तो अंत बिंदु के रूप में आप लिख, इसी को कैसे पढ़िएगा, इसी को आप इस तरह से लिखिएगा, वेक्टर ए बी बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। समझे क्या लिखना है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, क्योंकि ओ बी का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ओ ए का मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और इसी को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए बी बराबर पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए। पी वी का मतलब हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। समझे? पी वी का मतलब क्या हो गया, तो पी वी का मतलब हो गया पोजीशन। होप कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, है दिक्कत तो बोलिए, फटाफट कमेंट करके बताइए आप यहां सब दिक्कत हो रही है। यदि दिक्कत नहीं है तो मैं आपको एक मिनट का टाइम देता हूं, आप इसको फटाफट नोट कीजिए और फिर हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। फटाफट नोट कीजिए तेजी से। मैं उसे ऊपर का हेडिंग मिटाकर एक क्वेश्चन को लिखता हूं। फटाफट नोट कीजिए, नोट कीजिएगा। मैं हेडिंग लिखकर एक क्वेश्चन लिखकर मैं फिर पूरा बोर्ड मिटाऊंगा, एक क्वेश्चन मुझे बनाना है। दी पोजीशन वेक्टर्स of points
बी टू ए प्लस थ्री बी एंड ए माइनस टू बी रेस्पेक्टिवली। So that EB equal to 3B minus 8 and AC equal to A plus 3B। इसका हिंदी लिखना जरूरी नहीं है, आसान है। जरा सा भारी रहता तो मैं हिंदी जरूर लिख देता, इसीलिए इसका हिंदी लिखना कोई जरूरी है नहीं। आप लोग नोट करते जाइए। क्या क्वेश्चन दिया हम लोग समझ गए? क्वेश्चन क्या है देखिए, एक बार पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी सी डी चार पॉइंट है और इस चारों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ए बी टू ए प्लस थ्री बी ए माइनस टू। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हो गया? जैसे ए का पोजीशन वेक्टर ए है, यानी कि ओ ए बराबर ए। बी का पोजीशन वेक्टर बी है, यानी कि ओ बी बराबर बी। इसी तरह से औरों के साथ है, यानी कि क्या किया हुआ है पहले उसको आप लिख गिव है, यानी कि दिया ओ ए। ओ ए कितना दिया हुआ है? वेक्टर ए। ओ बी क्या दिया हुआ है? बी। ओ सी क्या दिया हुआ है? तो टू ए प्लस थ्री बी। ओ डी क्या है? ओ डी है वेक्टर ए माइनस टू। इस तरह से ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी आपको मालूम चल गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए तो आपसे क्या पूछ रहा है, अब जो आपसे पूछ रहा है उसी को निकालिए। कहता है कि आपको डी बी दिखाना है। डी बी तो DB बराबर क्या हो? याद रहे जब हम लोग लिखे थे AB तो OB माइनस OA लिखे थे, यानी कि पहले बाद वाले को लेते हैं, यानी कि बाद वाले का पोजीशन वेक्टर, फिर माइनस करके पहले वाले के पोजीशन वेक्टर को लिखते हैं। प्यारे बच्चों यहां पर भी वही होगा, पहले बाद वाले को लिख दीजिए, यानी कि पहले आपका हो जाएगा OB माइनस आपका हो गया OD। पहले आपका हो गया OB माइनस OD। अब देखिए तो OB किसके बराबर है? OB B के बराबर है, OD A माइनस 2B के बराबर है। तो पहले OB के जगह B लिख दीजिए माइनस OD। OD के जगह आप लिख दीजिए A माइनस
टू, ओडी की जगह क्या लिख दीजिए, तो ए माइनस टू बी, ठीक है। अब देखिए तो क्या हुआ, वेक्टर बी ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो माइनस वेक्टर ए हो गया, माइनस गुनी माइनस प्लस प्लस आपका हो गया वेक्टर टू बी, ठीक है। कहने का मतलब है कि db बराबर हो गया 2b और b यानी कि 3b माइनस a, समझ गए क्या हो गया 3b माइनस a। देखिए तो यही बोल रहा था दिखाने के लिए कि आपको दिखाना है 3b माइनस a होना चाहिए, और हम लोग दिखा दिए कि 3b माइनस a के बराबर है, देर इज नो दिक्कत, कोई समस्या नहीं। यदि समस्या नहीं है, अब नेक्स्ट देखिए आपको एसी दिखाना है, तो एसी देखिए आपका क्या है, एसी पहले बाद में लिखो फिर पहले वाले, समझ गए, पहले बाद वाले को लिखना है, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर, फिर पहले वाले का पोजीशन वेक्टर लिखना है। क्या हो गया देखिए तो ओसी, ओसी आपका बराबर है 2a प्लस 3b, OC बराबर है 2A प्लस 3B माइनस OA, OA बराबर है वेक्टर A का, OA बराबर है वेक्टर A का, OA बराबर वेक्टर A हो गया, ठीक। यानी कि AC किसके बराबर हो गया, सॉरी AC किसके बराबर हो गया, 2A से A के गया, 2a से a के गया तो a के बच गया यानी कि a, और 3b तो आपका 3b बच ही नहीं गया, क्योंकि b को आप ना तो जोड़ रहे हैं अलग से नहीं घटा रहे हैं, यानी कि ac बराबर हो गया वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b। क्या हो गया ac बराबर वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b, और देखिए एसी हम लोगों को दिखाना था वेक्टर ए प्लस थ्री वेक्टर बी, हम लोग दिखा दिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि आप इस तरह से थ्योरी के साथ साथ यदि आप एग्जांपल अभी से पढ़ते जाते हैं तो आगे चल के आपको कोई परेशानी नहीं होगा, जरा सा भी नहीं, बिल्कुल स्मूथ चलेगा, समझिए। आपको उस टीचर के पास पढ़ना चाहिए जो कि थ्योरी को एक साथ एक सूर से लेके जाए, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी बताए, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स को बताए, एक्सरसाइज को बताए, अदर बुक को फॉलो करें। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला लिखा दिए और चलो एक्सरसाइज केसी सिन्हा से आर डी शर्मा से बनाना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है, समझिए। केसी सिन्हा आर डी शर्मा से भी पढ़ना है, लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी खत्म होने के बाद, क्योंकि भारत सरकार बिहार सरकार की जो बुक है वो आपका एनसीईआरटी, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है। कहने के लिए क्या होता है कि टीचर कहेंगे केसी सिन्हा से बनाओ, एनसीईआरटी अपने आप बन जाएगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा दो ही चार चैप्टर में हो पाएगा, सब चैप्टर नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको केसी सिन्हा भी पढ़ना है, मैं बताता हूँ ना केसी सिन्हा से, केसी सिन्हा से मैं आपको बताता हूँ, कई बार मैं आपको आर डी शर्मा से भी बताता हूँ। तो फकैती नहीं करना, फकैती बिल्कुल नहीं करना, या आप बताइए कि मैं ऐसा कुछ करता भी हूँ, कोई ऐसा टॉपिक कोई ऐसा थ्योरी जो मैं आपको नहीं बताया हूँ। एनसीईआरटी से मैं थ्योरी बताता हूँ, उसके अलावे भी मैं आपको बहुत सारा थ्योरी बताता हूँ। जैसे इसके पहले जो मैं थ्योरी बताया आप देख लीजिए, एनसीईआरटी में थ्योरी है ही नहीं, लेकिन मुझे बताना पड़ा, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है कि बहुत ही प्रिसाइज यानी कि संक्षेप में लिखता है, और टीचर का काम है उसको विस्तार में बताना, तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, ठीक। फटाफट नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।